नमस्कार दोस्तों, एजीएस में आपका फिर से एक और बार बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम सैटर्न की बात कर रहे हैं। ये हमारी पूरी सैटर्न की सीरीज है और आज हम बात करेंगे जब आपके सैटर्न जो शनि महाराज है वो आपके अगर एकादश भाव या 11th हाउस में होते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, एकादश भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे कोई भी प्लैनेट्स हो वो अच्छा ही अच्छा करेगा, अन्यथा अदरवाइज कोई गलत दृष्टिपात हो या नीच राशि में हो या बाकी के फैक्टर्स हो, अगर वो सब निकाल दिया जाए तो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट्स बहुत अच्छा करेगा। विशेष करके अगर यहाँ पे सैटर्न बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको धन के बारे में, जो आपके लाभ के बारे में है, कभी भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे जातकों के अगर यहाँ पे स्पेशली अगर आपका मेष लग्न है, कुंभ के सैटर्न है यहाँ पे, तो इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको प्रभाव अगर सैटर्न तुला राशि में हो उससे भी ज्यादा बढ़िया मिलेगा। दोस्तों, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो सैटर्न है आपको धन दौलत लग्जरी पैसों के लिक्विड मनी कैश प्रॉपर्टीज आपके पास ये सारी चीजें रहती हैं। विशेष करके अगर आपके सैटर्न वीनस के साथ में आ गए यहाँ पे, तब तो कोई स्टॉपिंग है ही नहीं, आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पे सैटर्न जो है अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और इनका जो प्रभाव रहता है वो भी एकदम टॉप मोस्ट और हाईएस्ट लेवल का प्रभाव देते हैं। बट अगर यहाँ पे सोचिए कि अगर आपके शत्रु राशि के शनिदेव बैठे हैं या नीच राशि के हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही नुकसान हो जाएगा या आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, नहीं, वैसा नहीं है। नुकसान कम होगा और कई कई केसेस में अगर देखने में आता है कि गलत दृष्टिपात है तो इलीगल मीन से पैसा आएगा। अब इलीगल मीन से आएगा पैसा तो जाहिर सी बात है कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो कभी जेल भी जाने का योग बन सकता है। बट अगेन यहाँ पे हम तब बात कर रहे हैं जब प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो या कोई भी दृष्टिपात हो गया हो या नीच राशि के हो या शत्रु राशि में हो या गलत असंबंध हो, तो उस प्रभाव से, उस वजह से फिर ये जो भी इफेक्ट्स है वो नेगेटिव में हो जाएंगे। यहां से बात करते हैं, सैटर्न जो है अपनी पहली दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है वहां से आपके लग्न स्थान जो फर्स्ट हाउस है वहां पे देखते हैं। इससे ये आपकी लाइफ को प्रभावित करेंगे बट इन अ गुड वे। जैसे आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस होगी तो अच्छे थॉट्स की वजह से इन्फ्लुएंस होगी। जैसे आपके पास थोड़ा सा टाइम कम रहेगा या कोई सिलेक्टिव चीजें करोगे, बाकी चीजें कम करोगे, बट ऑल फॉर गुड रीजन। तो ऐसे नहीं है कि कोई खराब चीजों में आप इंडल्ज करोगे, क्योंकि सैटर्न की आपकी दृष्टि आपके फेस पे है, जो से आपका लग्न पे है, तो ऐसे हो सकता है कि आप अपनी जो बाकी के फ्रेंड सर्कल से, जो कलीग्स हैं, उनसे थोड़े आप मैच्योर दिखने में आ सकते हो। आप थोड़े से काफी मैच्योर लगोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे मार्स है स्पेसिफिकली, तो अगर मार्स रहेगा तो मार्स इतने अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि सैटर्न अगर मार्स को देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड हो जाए, हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाए या एक्सीडेंट भी हो सकता है। यहाँ पे सैटर्न अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखते हैं, तो इससे ये दिखाता है कि बच्चों के प्रति आप थोड़े से डिसिप्लिन रहेंगे कि आपको चाहिए वो मेरे बच्चे डिसिप्लिन हो, ये सारी चीजें हो जो मैंने की है वो भी मेरी तरह कामयाब हो, तो वो आप थोड़े से स्ट्रिक्ट फादर या मदर आप ऐसे हो सकते हो। और जैसे ये पंचम स्थान है, पंचम स्थान हमारा रहता है हमारी विजडम का, तो थोड़ा सा आपको स्टॉक्स में हो गया, गैम्बलिंग में हो गया, ऐसे वेगस में जाके आप गैम्बल करके आ गए हो या जाकर सट्टा जुआ सट्टा खेल कर आ गए हो, तो थोड़ा आपको इंक्लिनेशन दे सकता है। बच्चे होने के बाद में नो डाउट अगर प्लेसमेंट सही है तो आपकी प्रगति भी देखने में आ सकती है। यहाँ से दोस्तों सैटर्न अपनी 10th दृष्टि से देखते हैं आपके अष्टम घर को। इसका यह मतलब होता है कि ऐसे जातकों की उम्र कम नहीं रहती है, इनकी उम्र लंबी रहती है। और
जो धन भाव है, जैसे अकस्मात धन है, वो भी मिलने के चांसेस रहते हैं। ट्रांजिट जब होते हैं, दशा अंतर दशा है, जब ट्रांजिट होगा तब आपको गेन भी हो सकते हैं, अकस्मात चीजें हो सकती है। जैसे आपने कोई स्टॉक लिया हुआ, आपको पता नहीं है, या अगर आप स्टार्टअप में काम करते हो, वो आईपीओ बन गई, तो ऐसे अकस्मात चीजें देखने में आ सकती है। दोस्तों ये था इन जनरल एनालिसिस जब शनि महाराज 10th हाउस में होते हैं। अभी जो किताबें हैं, जैसे हम हर समय हमारे वीडियो से बताते हैं, 3 किताबें, बृहत जातक हो गए, फल दीपिका, चमत्कार चिंतामणि। आइए देखते हैं इनके हिसाब से क्या प्रभाव होता है। बृहत जातक के हिसाब से ऐसे प्लेसमेंट वाले लोग काफी धनवान रहते हैं। फल दीपिका के हिसाब से ऐसे लोग बहुत धनवान रहते हैं, बहुत पुरुषार्थ रहता है, बहुत लंबे जीते हैं और बहुत सारे एसेट्स होते हैं। चमत्कार चिंतामणि के हिसाब से ऐसे लोग बहुत ही अमीर रहेंगे और बहुत ही पराक्रमी रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपके सैटर्न जो शनिदेव है, अगर आपके एकादश भाव लाभ भाव में रहते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके कुछ कॉमेंट्स हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में ऐड करना मत भूलिएगा। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं अब विदा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड, जो रहेगा हमारा अंतिम एपिसोड शनिदेव 12th हाउस में, या सैटर्न 12th हाउस के बारे में।